इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि शहर में लॉकडाउन लगे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैंने अधिकारियों को कहा है कि जो नियम तोड़े उस पर कार्रवाई की जाए। कैलाश विजयवर्गीय ने हाथ जोड़कर अपील की है कि शहर को बर्बाद होने से बचाएं। कुछ लोग नियमों को तोड़कर शहर को बर्बाद कर रहे हैं। अधिकारियों को कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। शहर के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और डॉक्टर सहित सभी ने इंदौर को बचाने के लिए काम किया है, लेकिन कुछ लोगों के कारण इंदौर में फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लोगों से शहर को बचाएं। कैलाश विजयवर्गीय बोले, सब्जी के कारण कोरोना फैल रहा है। रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनाने पर उन्होंने कहा कि सभी मंत्री बने ये संभव नहीं, ये मुख्यमंत्री और पार्टी तय करते हैं कि कौन मंत्री बने। बंगाल में हालत खराब है, अराजकता फैल रही है, सरकार का कंट्रोल नहीं है। राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस में टैलेंट की कोई कद्र नहीं है। मैं बहुत दिल से, दिल के गहराइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, सिंदूर को बड़ी मुश्किल से बचाया आप सब ने और हमने मिल के। अच्छे संकेत नहीं है अभी। मैं ये भी नहीं चाहता कि इंदौर को लॉकडाउन करें। लॉकडाउन करने से वे बेचारे जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों के परिवार संकट में आ जाते हैं। मुट्ठी भर लोग इस शहर के गलती कर रहे हैं, उसकी सजा पूरे इंदौर को नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, कोरोना भी रहेगा, हमें भी रहना है। जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, पहला तो सबको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, सबको प्राणायाम करना चाहिए और काढ़ा पीना चाहिए। दूसरा, मास्क लगा कर ही रहना चाहिए। पहले ये था कि कोरोना का वायरस एयर में ट्रेवल नहीं करता है, पर अब ऐसे भी साइन पाए गए हैं कि अब वो एयर ट्रेवल भी कर रहा है, हवा में घूम रहा है। जरा सी लापरवाही में हमने बहुत लोगों को इंदौर में खोया है। हम नहीं चाहते किसी भी इंदौर वासियों के परिजन हमारे बीच में से जाएं।